दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग को किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हो तो अक्सर कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम हमारे पास जरूर आती है। अब ये जो कोई मिस्टेक है, ये कोई फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए नहीं है, इस टाइप की गलती को एक एक्सपीरियंस वाला अकाउंटेंट भी कर देता है। भी अक्सर होता क्या है, भी जब भी हम किसी कस्टमर का सेल इनवॉइस बनाते हैं या कोई पेमेंट वाउचर तैयार करते हैं, रिसिप्ट वाउचर तैयार होते हैं, कोई जर्नल वाउचर, परचेज वाउचर, यानी कि जो भी हम वाउचर की एंट्री पोस्ट करते हैं, तो उस दौरान हमारे से थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक ये हो जाता है भी हमने जो सेल इनवॉइस है वो करना तो किसी और पार्टी को था, लेकिन हमने जल्दबाजी के चक्कर में किसी और पार्टी को इनवॉइस का कर दिया। या फिर अक्सर इस टाइप की गलती होती है भी जो हमने स्टॉक आइटम सेलेक्ट करनी होती है वो हमारे से जल्दबाजी के अंदर कोई गलत स्टॉक आइटम है जो सेलेक्ट हो जाती है सेल वाउचर में या फिर परचेज वाउचर में, और हमें उस वक्त तो पता नहीं चलता और हम उस वाउचर को कर देते हैं यहाँ पर सिंपल सा सेव, लेकिन बाद में हमें पता चलता है भी ये जो हमारा सेल वाउचर था ये इस पार्टी का था ही नहीं, ये किसी दूसरी पार्टी का था, लेकिन गलती से हमने इस पार्टी को सेलेक्ट कर दिया। तो अब जो फ्रेशर अकाउंटेंट होता है जिसके ये गलती पहली बार होगी वो क्या करेगा, इस वाउचर को यहाँ से डिलीट कर देगा, और डिलीट करने के बाद में क्या करेगा, इस वाउचर को फिर से वो पोस्टिंग करेगा, तो ऐसे में उसका बहुत सारा टाइम है जो खराब हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर इस टाइप के हमारे से कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाए किसी भी पार्टी का अकाउंट लेजर सेलेक्ट करते वक्त या फिर कोई भी स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते वक्त, तो हम उसको किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उसको दूसरी स्टॉक आइटम के साथ, दूसरे लेजर के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का पूरा देखिएगा, सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इस टाइप की जो गलती होने की जो सबसे बड़ी वजह वो वजह ये होती है कि जैसे ही हम किसी कस्टमर को सेल इनवॉइस इशू करते हैं तो हमारे पास होता है क्या है भी जो यहाँ पर लिस्ट ऑफ जो हमारी लेजर अकाउंट की आती है उसके अंदर अल्फाबेटिक वाइज ये हमारे पास नाम आते हैं, ए बी सी के से शुरुआत होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला नाम स्टार्ट होगा या जीरो से स्टार्ट होगा या किसी न्यूमेरिकल के साथ होगा या फिर किसी आपने ए बी सी के साथ शुरुआत कर रखा है, अगर आपने उसकी अलग से कोई न्यूमेरिक की हिंट नहीं दे रखी है तो अब जैसे कि हमारे पास एबीसी कंपनी है तो जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहला लेजर ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होता है टेली सॉफ्टवेयर से, और हम इसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये पार्टी अकाउंट के नेम के अंदर ये नाम है जो रह जाता है, लेकिन हमने जल्दबाजी के अंदर इसको ध्यान ही नहीं देते और स्टॉक आइटम को फटाफट लिख के और इस वाउचर को सेव कर देते हैं। लेकिन जब हम किसी पार्टी के स्टेटमेंट को मिलान करते हैं तब हमें पता चलता है यार ये बहुत सारी मिस्टेक होगी, ज़्यादातर हमने इसी हर सेल इनवॉइस के अंदर एबीसी को ही सिलेक्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें करना क्या है, अगर आपने एंट्री ऑलरेडी कर दी है तो उसको हम किस तरीके से बदलेंगे, जैसा कि मैं सेल वाउचर ओपन कर लेता हूं, मैं उसके बाद देखेंगे। जैसे कि मैंने ये सेल वाउचर ओपन कर लिया, अब ये सेल वाउचर यहाँ पर मैंने एबीसी कंपनी को सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी जो सेव हो चुका था, लेकिन ये हमें बाद में पता चला भी ये जो सेल इनवॉइस है दो नंबर ये राजा सिंह का था, लेकिन गलती से जल्दबाजी में एबीसी फर्स्ट लेजर सिलेक्टेड था तो वही सिलेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करने की जरूरत आपको नहीं है, तो आपको करना है क्या, सिंपल उसी वाउचर को ओपन करना है और उसी पार्टी अकाउंट पे नेम पे आके, मैं वापस दिखाता हूँ, यहाँ पर आए इस पार्टी अकाउंट जो यहाँ पर लिखा है और ये जिस कस्टमर का रियल वाउचर है, रियल बिल है, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपसे एक बार ये टेली सॉफ्टवेयर है जो पूछेगा जरूर, हो सकता है कोई दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आपको पूछेगा ये करे बी यू आर चेंजिंग इन दी पार्टी लेजर, डू यू वॉन्ट टू अपडेट दी पार्टी एड्रेस टेक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल इन द ट्रांजेक्शन यस या नो, यानी कि ये कन्फर्मेशन मांग रहे हैं भी आप गलती से पार्टी का लेजर है जो चेंज कर रहे हो, कहीं गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, तो आपको लगता है बिल्कुल सही है तो आप इसको यस प्रेस करोगे। तो और इसके बाद में आपका जो सारा रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सेम है, आपकी स्टॉक आइटम बिल्कुल सही है, तो वो आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, क्योंकि आपको कंट्रोल ए प्रेस इस वाउचर को सेव करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर जैसे कि मैंने एक बार यहाँ पर वापस इसे करते हैं, एबीसी आपने कर दिया और वापस ठीक है एबीसी निकल दिया, वापस आपने एस्केप कर दिया, तो ये एस्केप करने से आपका डाटा सेव नहीं होगा। सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पार्टी का सही नाम लिख के और कंट्रोल ए नहीं करोगे तो आपको ये सारा डाटा यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए, सारी स्टॉक आइटमों से गुजरते हुए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करोगे।
तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आपके पास किसी भी स्टॉक आइटम के अंदर मिस्टेक हो जाए तो उसको हम किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, जैसे कि पार्टी अकाउंट को तो हम इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आप देखो इसी सेल इनवॉइस के अंदर हमारे पास ये तीन टाइप की स्टॉक आइटम है ए बी सी, लेकिन आपको पता चला भी ये ए जो आइटम है या फिर बी आइटम या सी आइटम, इन तीनों में से एक आइटम आपने गलत सेलेक्ट कर ली जो आपके इनवॉइस के अंदर थी नहीं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ए की जगह ये डी स्टॉक आइटम थी, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम यहीं पर रहते हुए आपको यहाँ से आइटम डी को सिलेक्ट कर सकते हो या जो भी आप आइटम आप सेल करना चाहते हो उसको रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद में आपके स्टॉक आइटम वगैरह बिल्कुल सेम रह जाए, क्योंकि वैल्यू बिल्कुल सेम है, क्वांटिटी सेम थी, लेकिन आपने स्टॉक आइटम को गलत सेलेक्ट कर लिया था। अगर उसके बाद आपको लगता है इसके अंदर रेट के अंदर भी कुछ डिफरेंस है तो भी आप इसका रेट है जो यहाँ से चेंज कर सकते हो, पर आपको लिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा भी अगर आपकी कोई शेयर वैल्यू चेंज होगी तो आपके जीएसटी या रिटर्न के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपने इसकी रिटर्न फाइल कर चुकी हो अपनी जीएसटी आर 3B या जीएसटी आर 1 को, तो आपको डाटा को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब इसका जो डिफरेंस है वो आप अपने नेक्स्ट कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के थ्रू एडजस्ट करोगे। या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है भी जैसे हमारे पास आपके पास ये तीन आइटम है और इस तीन आइटम के अंदर आपने ये तो बी आइटम बी है ये आपने गलत दे दी, आपको सिर्फ दो ही आइटम सेल करनी थी, आइटम बी आइटम ए और आइटम सी, ये बी आइटम आपको सेल ही नहीं करनी थी लेकिन गलती से आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी आइटम को यहाँ से हटाना है। अब हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करोगे तो ये हटेगा नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका है, जैसे हम स्टॉक आइटम के ऊपर आएंगे तो हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाएगी और उसके ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एंड ऑफ लिस्ट का, तो यहाँ से आप इसको एंड ऑफ लिस्ट पे सिलेक्ट करोगे तो ये जो स्टॉक आइटम यहाँ से आपकी हट जाएगी और उसके बाद आइटम आपकी ए और सी दो ही रह जाएगी। लेकिन आपको विशेष ध्यान में रखना है, अगर आप जैसे आपने स्टॉक बी आइटम को यहाँ से हटाया है तो आपकी शेयर वैल्यू के अंदर भी चेंज होगा और इसके साथ साथ आपका टैक्स अमाउंट के अंदर भी चेंजिंग होगी, तो ये आपको रिटर्न को विशेषकर ध्यान में रखते हुए इसको जरूर आपको चेंजिंग करनी है। रिटर्न अगर आप फाइल ऑलरेडी कर चुके हो तो इसके साथ ज़्यादा आप चेंजिंग मत करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने इस मंथ की अभी तक फाइल नहीं करी है तो आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।